वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
तो यह हम स्थित प्रज्ञ नाम दिया है। वास्तव में परमात्मा तत्व को प्राप्त होने के बाद उसको स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं, गुणातीत कहते हैं, भगवत भक्त कहते हैं, अति वर्णाश्रमी कहते हैं, योगी कहते हैं, ऐसे कई नाम है उसके। ऐसे वर्णना था तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञ की परिभाषा का, तो जो साधन करते हैं उस साधन से वो सिद्धि पाता है, तो सिद्धि पाने पर उसी साधन को साथ लेकर नाम रखते हैं। तो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हुई वो स्थित प्रज्ञ होता है। तो कर्मयोग का नाम यहाँ सांख्य बुद्धि योगे तुमान सुनो, सांख्य में बुद्धि कह दी, योग के विषय बुद्धि सुनो। तो यहाँ से बुद्धि चली गई। इससे पहले प्रज्ञावादा से भाष्य में प्रज्ञा शब्द आया है, परंतु बुद्धि योग का बुद्धि शब्द नहीं आया है पहले। तो यहाँ से जरा अंत में ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्त श्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृत्यति, जो ब्राह्मी स्थिति बताई। तो स्थित प्रज्ञ है ना, प्रज्ञ बुद्धि स्थिर हो जाए तो बुद्धि स्थिर कैसे होती। तो बुद्धि स्थिर में दो बात बताई, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। प्रधानंद जिस काल में मनोगतान सर्वान मन में आई हुई जो कामनाएं है, उन संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, निशेष रूप से त्याग कर देता है और अपने से अपने आप में स्थित होता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो खास बात क्या हुई कि सत असत का जो विवेक होता है उसमें असत का सर्वथा त्याग कर देना और सत के स्वरूप में अपने आप को निरंतर स्थित कर देना, जो अपने आप में स्थित है, ऐसी स्थिति का नाम है स्थित प्रज्ञ। तो प्रज्ञा स्थिर कब होती है कि जब सर्वथा असत से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो प्रज्ञा की स्थिरता में बाधक क्या है, अनंतास्त बुद्धियों और व्यवसाय नाम। एक व्यवसाय निश्चय नहीं करता तब उसकी बहुत बुद्धियां होती है, एक बुद्धि की अनंत शाखाएं होती है, वो एक बुद्धि स्थिर नहीं कर सकता। कारण क्या है कि असत उसका ध्येय रहता है ना, नाशवान पदार्थ जो ध्येय रहते हैं, तो नाशवान पदार्थ भी अनंत है और उनके उपाय भी अनंत है, तो उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर तंत्र रहेगी, स्थिर नहीं होगी। एक बात और याद आ गई, मनुष्य सत्संग सुनने वाले कहते हैं मन स्थिर नहीं रहता, मन स्थिर अतिर है, इसकी बात गीता ने ज्यादा महत्व देकर नहीं कही है, बुद्धि के स्थिर होने की बात कही। मन है वो तो एक मरण करने वाली चंचल वृत्ति है, तो मन की चंचलता को इतनी दोष ही नहीं है, और मन की स्थिरता हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, और बुद्धि स्थिर हो जाए तो निहाल हो जाए आदमी। तो बुद्धि के स्थिरता की बात है, बुद्धि का स्थिर होना मन का स्थिर होना क्या, मन का स्थिर होना कि जब मन लगावे वहां लग जाए, हटावे वहां से हट जाए, ऐसा होकर एक जगह निश्चल बैठ जाए, दीपक जैसे बिना वायु की दीपक एकदम जमता नहीं, ऐसा मन लग जाए तो स्थिर मन हुआ। तो ये एक ध्यान की अवस्था होती, समाधि अवस्था होती,
और बुद्धि की स्थिरता है उसमें समाधि की जरूरत नहीं है, उसमें चंचलता हो, स्थिरता हो, कार्य प्रवण हो और चाहे एकांत बैठा तो हो, बुद्धि स्थिर होती है, वो लक्ष्य एक होता है। तो वो एक लक्ष्य कब होता है, जब असत से वृत्ति हट जाती है। व्यवसायी आत्मी का बुद्धि एका, इस योग में निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। क्यों एक होती है, उसका ये परमात्मा एक है, एक परमात्मा देह होने से उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो परमात्मा स्थिर हो तो परमात्मा में स्थिर होना क्या है कि मनुष्य अपना लक्ष्य एक बना लेता है, हमें तो अब परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति करना है, संसार के सुख और दुख की हमें परवाह नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता की परवाह नहीं। मनस्वी कार्यार्थी नगण यति दुखम न तो सुखम, उस सुख और दुख को नहीं गिनता, संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता को नहीं गिनता, खुद एक परमात्म तत्व को चाहता। ऐसे चाहने वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती, वो ठीक वहां पहुंच जाए तब तो होती है। उपाय में आरंभ में ही बुद्धि का एक लक्ष्य बढ़ जाता, तो आरंभ से जब एक लक्ष्य बनता है तो अंत में वो एक में स्थिर हो जाता है, तो बुद्धि के द्वारा ही उसकी परीक्षा होगी। इस वास्ते प्रजाति यदा कामान कामनाओं का त्याग करे, तो कर्मयोग में कामनाओं के त्याग की मुख्यता है, और कामना है ये ही जड़ के साथ संबंध है, संसार का जो जड़ वस्तुओं के साथ संबंध है, ये संबंध तो निरंतर वियोग रूपी अग्नि में जल रहा है। मान मात्र संयोगों की आग लगी हुई है, वियोग हो ही रहा है, शरीर का भी वियोग हो रहा है, संपत्ति का भी, परिवार का भी, जितनी वस्तु आपके पास है उनका वियोग प्रतिक्षण होता है। कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिस क्षण में शरीर आपके साथ रहता हो, कुटुम्ब आपके साथ रहता हो, धन संपत्ति वैभव मान बड़े आदि आपके साथ रहता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। हर समय नाश की तरफ जा रहा है, संप्रलय की तरफ जा रहा है, संसार रंग रवि, इनका वियोग तो हो ही रहा है। तो फिर हमारा संयोग कहाँ है, जो मन में कामना प्रक्रिया ये मेरे हो जा, ये मेरे रह जा, ऐसा न हो। ये जो मन में कामना है बस ये ही संसार के साथ संबंध है हमारे, हमारे साथ संसार का संबंध कहाँ है, जो हमारे मन में अशुद्ध वस्तुओं का आदर है, महत्व है, बस ये ही खास बीमारी है। तो इसका आदर न करना बुद्धि की स्थिरता है, बुद्धि में परमात्म तत्व ही है, उसको प्राप्त करना और संसार में नहीं फंसना। नाशवान है, एक क्षण भंगुर है, एक क्षण भी साथ नहीं रहता, तो इसमें क्या करना, इसमें उद्योग बुद्धि। तो ऐसी बुद्धि की विचलितता होती है ना, वो ठीक नहीं है। बुद्धि विचलित न हो, एक ध्येय एक लक्ष्य पर बना रहे, चाहे वो भजन ध्यान करे, चाहे काम धंधा करे, लौकिक करे चाहे अलौकिक करे, कुछ भी करे, बुद्धि में एक स्थिर बात रहती है। जैसे मुसाफिर होता है, बद्रीनाथ जाना है, ये बात रहती है, बात भी करता है, ठहरता भी है, रात्रि विश्राम भी करता है, भोजन भी करता है, परंतु बद्रीनाथ जाना ये ध्वनि एक रहती है। इस तरह से स्थित प्रज्ञ वाले की बुद्धि आरंभ से ही परमात्मा की तर भी लगती है। इस बात जो आत्म का बुद्धि एक 41वें श्लोक से 44वें श्लोक तक चार श्लोकों में ये बुद्धि की एक स्थिरता होती है, ये बात कही। तो उनकी बुद्धि एक होती है और उनकी इसमें दूसरों की अनेक होती है, उसमें कारण क्या है कि भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, सुख भोगना और संग्रह करना। तो क्या पैसा पास में रहे और सुख भोगू, ये खास चीज,
बुद्धि स्थिर न होने देने में खास कारण है। भोगी ईश्वरीय प्रसन्नता नाम और तया वृत्ति नाम, वो तया कौन पुष्प दे आवाण्य जो पुष्प वाणी की से कही स्वर्ग में ऐसा सुख रूप में ऐसा सुख है, तो सुख में आसक्ति होने से तो सुख का लोभ लगता है। अगर ये नहीं प्राप्त हुए ऐसे भोगों का लोभ लगता है, जो संपत्ति नहीं मिली उसका ध्येय हो गया पदार्थ ही, तो तया भोग ऐसे में आसक्त है और सुनी हुई वाणी में आसक्त हो जाएंगे। तो व्यवसायी आपने कहा बुद्धि समाधो निधि परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति करना ये हो ही नहीं सकती। तो जब बुद्धि भी स्थिर नहीं होती तो वो परमात्मा को प्राप्त कैसे करेगा? तो परमात्मा की प्राप्ति करना हो गई तो स्थिर बुद्धि करना हुआ, स्थिर बुद्धि सम्बुद्ध स्थिर बुद्धि बन एक परमात्मा तत्व को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य हमारा ध्येय हमारा उद्देश्य एक ही है। ये जितना दृढ़ता से होगा उतना उसका रास्ता जोर से कट जाएगा, फिर वो रास्ता होता ही चला जाएगा, बढ़िया हो ही जाएगा, समझे ही नहीं। तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, तो खास चीज क्या है कि मनोगत संपूर्ण कामनाओं का जिस काल में त्याग कर देता है। अब कामना की जड़ की कामना कामना होती है, लेकिन ये बताया था ना कि परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा कामना नहीं है, अपने स्वरूप का जो ज्ञान करना बोध करने की इच्छा ये कामना नहीं है, और संसार की सेवा करना है सब कुछ त्याग करना ये कामना नहीं है, ये तीन कामना नहीं होती। और कामना किसका नाम है? जो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु की चाहना उसका नाम कामना है, और जो नित्य तत्व है उसको चाहना ये कामना नहीं है। जिज्ञासा कह दो प्रेम पिपासा कह दो चाहे उसमें कह दो ये साधन है। तो परमात्मा तत्व जो नित्य चेतन अपना स्वरूप उसकी प्राप्ति की इच्छा वो कामना नहीं है, तो कामना तो नित्य नित्य है निरंतर नष्ट होने वाले इच्छा का नाम कामना है, और जो नित्य है वो रहेगा उसकी इच्छा है वो कामना नहीं है। इस वास्ते वो आवश्यकता है, तो आवश्यकता की पूर्ति होती है और कामना की निवृत्ति होती है। और कामना का भाग दो कर दिया जाए तो संसार की कामना तो नष्ट होती है, परमात्मा की कामना पूर्ण होती है, पूर्ण होती है। तो पूर्ण होने पर भी कामना निवृत्ति होती है और त्याग करने पर भी कामना की निवृत्ति होती है। तो संसार की कामना को त्याग करने से ही निवृत्ति होगी, इसकी कभी पूर्ति होने वाली है ही नहीं, और परमात्मा की इच्छा पूर्ति होगी ये कभी अधूरी रहने वाली है ही नहीं। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, तो आत्मनी एव आत्मना अपने आप में ही आप संतुष्ट होगा। अब उसके संतोष के लिए कोई दूसरी चीज की जरूरत कभी किंचित मात्र भी नहीं होगी, स्वप्न में भी कि वो चीज मेरे को संतोष हो जाए उसकी बड़ी आवश्यकता ये नहीं रहेगी, क्योंकि चीज की आवश्यकता है नहीं, वास्तव में तो कामना है। उस कामना का चीज की आवश्यकता दिखती रजू रागात्मक राग है ना पदार्थ होगा, उस राग के कारण से पदार्थ दिखते हैं महत्व के, वे बड़े भाई पदार्थ है ये पदार्थ में कुछ है नहीं, वो तो क्षण है, परंतु कामना मन में होती है तो उसका महत्व दिखता है, और महत्व दिखता है तब तो कामना छोड़ता नहीं। तो संपूर्ण कामनाओं का जब सर्वथा त्याग हो जाए तो फिर अपने आप में संतोष अपने आप ही होगा, अपने आप से विचलित हो कब जाता है कामनाओं का जाता है। जब किसी वस्तु की कामना होती है तो स्वरूप से चित होकर उधर चला जाता है, और कामना सर्वथा मिट गई तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी नहीं, कहाँ होगी स्थिति, सही होगी आपकी। ये दो ही बात है खास कर प्रजाति रा कामान सर्वान पर मनोगतान, ये त्याग करना पड़ता है और आत्मनिर्वाद कुछ हो जाएगा आपका। इसके लिए प्राप्त करने की जरूरत नहीं। मनुष्य जैसे संसार के पदार्थ करने का उद्योग करता है ऐसे उस प्राप्त परमात्मा को प्राप्त करने के उद्योग करता है,
उस उद्योग की जरूरत है। उद्योग तो जो बाहर का है उसके हटाने की, ये तो तुमने पकड़ा है इसको छोड़ना है। इसके छोड़ने पर जो स्वरूप है वो तो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, उसके लिए उद्योग नहीं करना है। आत्मनिर्भर आत्मा तो सिद्ध प्रज्ञित, इसकी प्राप्ति के लिए भी ध्यान भी होता है, जप है, ध्यान है, धारणा है, समाधि है, इसलिए भी परमात्मा कृपण स्वरूप है। इस उत्तर में भी बात बताइए, छठे अध्याय में कहा यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवति श्रते और निष्प्रिय सर्वगामी युक्ति स्थिति वो योगी कहलाता है। तो योगी क्या होगा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एवति, चित्त है वो आत्मनि परमात्मा तत्व में ही स्थिर होता है और निष्प्रिय सर्वगामी संपूर्ण कामनाओं पदार्थों से निष्प्रिय हो जाता है, तब योगी कहलाता है। तो दो ही बात इसमें प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिर्भर आत्मना तुष्ट है, और वहाँ यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव उत्तिष्ठते निष्प्रिय सर्वगामी जो, तो यहाँ कामनाओं के त्याग करने पर अपने आप में स्थिति फिर हुई और उसमें कामना मन को सब तरह से हटाकर एक परमात्मा लगने से कामना को त्याग हो गया। तो चाहे परमात्मा में लगाकर कामना को त्याग कर दो, चाहे कामना को त्याग कर परमात्मा लगा दो, दोनों मार्ग हुआ। अब दोनों मार्गों में विलक्षणता क्या है, वो जो योग अभ्यास करके परमात्मा मन लगाता है उसका विनियतम चित्तम आत्मनि, आत्मा में चित्त स्थिर होता है उस